अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में चैप्टर 5 आई कॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ बुक शाहिद जमाल की चैप्टर है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर्स। तो क्वेश्चन है मेरे पास 5.93, 6x² - 11x + 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, c को और a को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 और 6 हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके 24, ठीक है। 4 6 = 24। अब हमने 24 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि जिसे हम प्लस करें या माइनस करें तो 11 आए। सो 2 से अगर हम देखें तो 2 × 12 इज इक्वल टू 24 होता है। अगर 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 11 तो नहीं बन रहा। इसके बाद अगर 3 में देखें तो 3 में 24 आता है, 3 × 8 इज इक्वल टू 24। तो अगर हम 3 और में से 8 और 3 को माइनस करेंगे तो 5 होगा, प्लस करेंगे तो 11 बन जाएगा। दैट मीन्स कि -3 और -8 जो है वो बनेगा 11x। सो 6x² - 8x - 3x + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉमन लेना है, 2x कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 2 3 = 6x, फिर -2 4 = 8, फिर -1 लेंगे कॉमन तो अंदर आ जाएगा 3x। अब यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर माइनस है यहाँ पर। सो माइनस का 1 कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया और 4 आ गया इज इक्वल टू 0। सो 2x - 1 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 1 एंड 3x इज इक्वल टू 4। माइनस के हैं वहाँ जाकर प्लस हो गए। इसके बाद x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 4/3 आंसर। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मजीद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड साथ ही अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।